कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर फिजिक्स फर्स्ट के तीसरे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहला और दूसरा जो अध्याय था वो एक साथ आपको फिनिश करा दिया। वो हमने भौतिक जगत और मापन के नाम से, क्योंकि आपकी बुक में भौतिक जगत का चैप्टर अलग है और मापन का चैप्टर अलग है, तो वो एक और दो करके वो पूरे हो चुके हैं। अब हमारा ये तीसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति। इसमें से जो कुछ भाग काट दिया गया वो हम नहीं करा रहे हैं आपको प्रारंभिक। अब हम जहाँ से आपके कोर्स में है वहीं से उस भाग को ले रहे हैं। तो देखिए, पहला इसमें एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों का कलन विधि से निगमन। आपने इन समीकरणों का निगमन किया होगा साधारण विधि से या ग्राफीय विधि से, लेकिन यहाँ हम इसका जो निगमन है वो कलन विधि द्वारा कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में। समीकरण आप जानते हैं तीनों कौन कौन सी हैं। पहली समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और जैसे त्वरण के लिए a, s के लिए दूरी के लिए s, और समय के लिए t, और प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो आइए कलन विधि द्वारा पहले सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट v बराबर u प्लस ए टी सिद्ध करते हैं, देखते हैं। माना एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है। त्वरण a के अंतर्गत वह t समय से s दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त करती है। ये तीनों समीकरणों के लिए हमारे लिए लाइन लागू होगी। अब हम गति का प्रथम समीकरण लेके चल रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी है। तो माना किसी क्षण t पर सूक्ष्म समय अंतराल डी टी, बहुत अल्प समय अंतराल है, में वस्तु के वेग में dv परिवर्तन होता है। वेग जहां v वेग है, अतः वस्तु का त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। यानी जो परिवर्तन वेग का बहुत सूक्ष्म वाला और जो समय अंतराल है सूक्ष्म हो, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसलिए हमने a बराबर dv बटे dt। अब क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt, ए डी टी हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u और t बराबर t पर इस वस्तु का वेग v हो जाता के लिए समाकलन कर लेंगे। इस समीकरण का क्या होगा, देखिए u से v तक dv समाकलन u से v तक, ये निशान समाकलन का होता, और बराबर फिर समाकलन का निशान लगा दिया हमने 0 से t तक। कौन सी लिमिट है इसकी, जीरो से लेकर, क्योंकि t बराबर 0 पर हमारा वस्तु का वेग u था, यहां लिया हमने यहां से, और t बराबर t पर हमारा v हो गया, तो ये t से यहां ले लिया ये dt। अब देखिए इसका समाकलन जब करते हैं तो यहां जब dv का जब समाकलन करेंगे तो ये v हो जाएगा, लिख दिया v, और यहां पर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, गुणा में होता तो कांस्टेंट संख्या बाहर निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू a, और इसका क्या हो गया, t हो गया 0 से t तक। अब इनकी लिमिट रख देंगे हम, v पहली अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है। तो अपर लिमिट में v आ गया ये माइनस, लोअर लिमिट क्या है, u इज इक्वल टू a, फिर t माइनस 0, नीचे की लिमिट इसकी 0 है तो ये 0 आ गई। तो क्या हो जाएगा, v माइनस u बराबर at, तो क्या हो जाएगा, ए टी तो यहां लिख दिया हमने, वी माइनस यू बराबर ए टी, तो वी यही छोड़ेंगे यू उधर भूले जाएंगे, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरीके से हमारा समीकरण फर्स्ट जो है प्रूफ हो जाता। अब द्वितीय समीकरण देखते हैं। देखिए माना किसी क्षण टी पर, द्वितीय समीकरण क्या है लिखे देते हैं ऊपर को, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, किसी माना किसी क्षण t पर वस्तु का सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी तय करती है। कोई वस्तु है बहुत अल्प समय में dt समय में ds दूरी तय करती है, तो वेग कितना जगह
डीएस बटे डीटी, दूरी बटे समय, ये दूरी है ये समय है, तो डीएस बराबर वी डी टी गुणा हो जाएगी इसकी। अब वी का मान समीकरण एक से हम रख देंगे, वी बराबर यू प्लस ए टी यहां लग दिया। अब इसका फिर समाकलन कर देंगे हम टी बराबर जीरो से टी बराबर टी तक, और यहां दूरी का क्या होगा, जीरो टी बराबर जीरो पर दूरी कितनी है, जीरो है, और टी बराबर टी पर कितनी है, वो एस हो जाएगी। तो यहाँ एस जीरो से एस करेंगे और यहाँ लिखेंगे जीरो से टी तक। देखिए जीरो से एस समाकलन डी एस इजिकल टू यू, यू को बाहर निकाल लिया क्योंकि यू कांस्टेंट है इसके लिए, जीरो टू टी डी टी प्लस ए कांस्टेंट है इसके लिए टी के साथ, तो टी के सापेक्ष हो रहा, तो जीरो टू टी डी टी डी टी। देखिए समाकलन करते हैं, इसका एस हो जाएगा और जीरो से एस तक यू, इसका टी हो जाएगा जीरो से टी तक, और इसका क्या होगा ए टी स्क्वायर बटा दो। देखिए टी समाकलन होता कैसे है, देखिए थोड़ा सा इसको देख लें। जैसे कोई संख्या एक्स स्क्वायर दी हुई है, एक्स स्क्वायर का समाकलन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसमें एक जोड़ें घात में, एक्स की घात 3/3। अगर एक्स की घात 3 दिया हुआ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये एक्स की घात 4/4। तो ये समाकलन करने का तरीका, यानी एक्स की घात अगर एन है डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये समाकलन इसका एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1। ये समाकलन करने का तरीका है, हमने ये बताया आपको। ठीक, तो ये आपका आ गया। अब इसको हम लिमिट हमने रख दिया आपके सामने, तो एस माइनस जीरो यू टी माइनस जीरो ए टी स्क्वायर बटा दो माइनस जीरो, तो ये एस हो गया और ये हो गया यू टी, जीरो बेकार हो गया, ये ए टी स्क्वायर बटा दो, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमारी गति की दूसरा समीकरण जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब तीसरे समीकरण के लिए कल पुनः मिलेंगे, आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक यू।